नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे टोमेटो लगे हुए हैं। किसी ने कहा था कि आप अपने अंदर वाले गार्डन को क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो वो देखिए मैं आज आपको दिखाई दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मैं गार्डन नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको मेनली एक चीज़ बता रहा हूँ, एक टिप्स दे रहा हूँ अपने गार्डनिंग से रिलेटेड पे। वो ये कि आप अपने गार्डन पर कितना भी कुछ भी फर्टिलाइज़र दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन दोस्तों जो आपके गार्डन का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र होता है ना, वो होता है आपका रेन वाटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरे टोमेटोज हैं और पिछले तकरीबन एक हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म आया और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। मैंने अपने टोमेटोज और सारे पौधे से विश्वास छूट गया था मेरा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पूरा लगभग सा इसमें समझ लीजिए कि पूरा कुड़िया गया था, या बोल दीजिए कि लीफ बिल्कुल ऐसे कर्वेचर हो गई थी। और मैंने इसकी पूरी लीव्स जो है मैक्सिमली जितनी भी वैसे ख़राब हुई थी, मैंने सारी निकाल करके फेंक दिया था। और इसकी वजह से ही देखिए दोस्तों, ये मेरे देखिए टोमेटोज की क्या हालत हो गई थी। ये देखिए दोस्तों, ये ओल्ड है, देखिए ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए ये ओल्ड लीव। और देखिए देखो कैसे ये इन्फेक्टेड थी, ये वायरस से इन्फेक्टेड है। और इसके बैक साइड में दोस्तों, मैंने इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब कुछ हर तरीके हर चीज़ कर लिया, लेकिन दोस्तों ये इसके रूट से आता है, इसके डीएनए से आता है, और आप इसका कोई भी इसका इलाज नहीं कर सकते। मेन चीज़ यही होता है कि आपको इसको निकाल करके फेंकना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जब बारिश हुई, बारिश के बाद देखिए जो नीचे साइड से जो एक अच्छा प्लांट था, उसमें देखिए दोस्तों कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, और उसमें देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये दोस्तों हमारे मार्च अप्रैल के महीने पर बहुत अच्छी दोस्तों हमको फ्रूटिंग देने वाले हैं। और इनके पत्तों की दोस्तों आप जो ग्रोथ देख रहे हैं, देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े देखिए पत्ते निकल करके आ रहे हैं। तो इनकी जो ग्रोथ होगी ना दोस्तों, वो भी अमेजिंग होगी। नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए एक ये टोमेटोज था, इसने भी देखिए दोस्तों अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। इसको दोस्तों मैंने बचा लिया था, ये छोटा था तो इसको मैंने बचा लिया था। और देखिए इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर हैं दोस्तों देखिए हमारे कुछ पेटूनिया, और पेटूनिया की दोस्तों आप ग्रोथ देख लीजिए कितनी अच्छी चल रही है। दोस्तों इन सब का मेन रीज़न, जो मेन चीज़ है जिससे कि पौधे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं मेरे, और वो है दोस्तों आपका रेन वाटर। बारिश हुई ना, बारिश का दोस्तों जो रेन वाटर आता है, वो रेन वाटर की वजह से दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारे सीजन में बारिश नहीं हो रही होगी, क्योंकि अब दोस्तों बारिश ख़त्म हो गई, अब दोस्तों बारिश आपकी लगभग अप्रैल के लास्ट में होगी या मार्च के लास्ट पर होगी। तो दोस्तों तकरीबन एक महीने का टाइम है, तो आप अपने पौधों में ग्रोथ कैसे लें, कैसे दोस्तों ऐसी चीज़ पाएँ, तो एक सिंपल सा ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ पर एलम आता है, छोटा सा एलम का टुकड़ा ले लीजिएगा और उसको दोस्तों मिट्टी में अपने दबा दीजिएगा, तो आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आज आपको दिखा रहा था कि रेन वाटर के क्या क्या और फ़ायदे हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ये मेरा पॉट था जिस पर दोस्तों मेरा अडेनियम्स लगा हुआ था, और ये अडेनियम दोस्तों मेरा सड़ गया, तो विंटर की वजह से सड़ गया। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये वाइट कलर का था तो ये सड़ गया, तो पूरा का पूरा सड़ गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें मैंने कैप्सिकम के सीड कभी डाल दिए थे, और दोस्तों मैं भूल गया कि इसमें मैंने कभी कैप्सिकम के सीड्स भी डाले थे। तो देखिए दोस्तों, जब बारिश हुई तो बारिश के बाद देखिए तुरंत देखिए कितने सारे देखिए इसमें सीड्स निकल आए। देखिए सीड्स इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो गए हैं, और यहाँ पे दोस्तों तकरीबन मुझे 14-15 सीड मुझे ग्रो हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं 14-15 पौधे अगर तैयार कर लेता हूँ, इसमें मान लीजिए अगर मैं 10 पौधे भी अगर तैयार कर लेता हूँ ना, तो दोस्तों मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ये समझ लीजिए कि सीड तैयार हो गए। तो आप अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो दोस्तों एलम का यूज करिएगा, या ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी खट्टी होती हैं, जैसे इस टाइम पर संतरा आ रहा होगा, संतरा का आप जो है तो जो छिकला निकलता होगा ना, छिकले को आप दोस्तों पानी में डाल दीजिए, और नेक्स्ट डे आप जो है 24 आवर के बाद आप उसको अपने प्लांट्स पर दे सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में देने से पहले एक काम करिएगा, ऐसे आपका पॉट अगर गीला है तो गीले पॉट में मत दीजिएगा, ऐसे अगर आपका पॉट ड्राई है ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके कुरेद लीजिएगा, और देखिए कि दोस्तों ये पूरा ड्राई होना चाहिए। और इसके कॉर्नर कॉर्नर पर ही दीजिएगा, प्लांट के पास में मत कभी भी दे दीजिएगा, प्लांट के कॉर्नर कॉर्नर पर दीजिएगा आप हमेशा,
और आपके प्लांट की दोस्तों जो ग्रोथ है ना वो स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से आपके प्लांट्स चलेंगे। तो होप दोस्तों आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय।